हेलो मै ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड मई ऑल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन अ कंप्यूटर क्लास फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मैं आप लोग से एक बात करना चाहूँगी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपको टॉपिक और भी क्लियर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस टॉपिक में आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट आज क्लास फाइव का फर्स्ट लेक्चर है साइंस का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का इतिहास हिस्ट्री का मतलब क्या होता है हिस्ट्री का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग से जहाँ से इसका जहाँ से ये पहली जहाँ इन्वेंट हुआ है मतलब शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ से लेके अब तक ठीक है कंप्यूटर की हिस्ट्री हम जानेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी उसके बारे में हम जानेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्यूटर इज़ अ मशीन यूज फॉर कैलकुलेशन और अ कंप्यूटेशन बट एक्चुअली इट इज़ मच मोर देन दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ कैलकुलेशन यानी गणती क्रिया के लिए कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन का मतलब एक ही है ठीक है गणना के लिए ही समझते हैं लेकिन कंप्यूटर इसे कहीं ज़्यादा है प्रिजाइसली कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग एरथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एरथमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों ऑपरेशन कर सकता है एरथमेटिकल यानी गणना काम प्लस माइनस कैलकुलेशन का काम और लॉजिक जहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन हो वो भी कंप्यूटर बहुत अच्छे से कर सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब काम से है ठीक है वी आर लिविंग इन द कंप्यूटर एज एंड मोस्ट ऑफ़ आवर टू डे एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स हम कंप्यूटर की दुनिया आज का युग है वो कंप्यूटर का युग है जिसमें हम डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर से काम करते हैं बिना कंप्यूटर के नहीं रह सकते हैं ठीक है नहीं रह सकते से, इन सेंस कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर शामिल हो गया है हमारे ठीक है समटाइम्स नोविंगली एंड समटाइम्स अननोविंगली भी यूज कंप्यूटर्स कभी कभी हम जानबूझ के कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कभी कभी अनजाने में भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कर रहे हैं ठीक है कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इनडिस्पेंसिबल एंड मल्टीप मल्टीपर्पज़ टूल कंप्यूटर बहुत ही अनिवार्य बहुत ही आवश्यक होता है अति आवश्यक पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का और ये मल्टीपर्पज़ टूल भी है कई सारे काम है एक ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से सिर्फ कैलकुलेशन हो सकता है बहुत सारे टास्क हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू होता है आज के टाइम में ठीक है

अपने लाइफ में शामिल करेंगे ठीक है इसका जो इन्वेंशन है इसको हम अप्रिसिएट करेंगे ठीक है हर चीज़ का दे, देखो बच्चों हर चीज़ का यूज़ भी है मिसयूज़ है अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो उसको अपने यूज़ के लिए लेते हो तो आपको बहुत सारा यूज़ है कंप्यूटर से आप पढ़ाई से लेके हर फील्ड में ठीक है लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़ करोगे ओनली गेम खेलोगे मूवीज़ देखोगे तो बात अलग है ठीक है तो कंप्यूटर का जो इन्वेंट हुआ है उसे हमें अप्रिसिएट करना चाहिए और अप्रिसिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर को पूरी अच्छी तरीके से समझना होगा तभी तो हम किसी चीज़ को अप्रिसिएट कर सकते हैं ना चलिए आगे देखते हैं सबसे पहले है अबैकस अबैकस इज़ नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस एबैक्स को सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है ये आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपिटेटिव एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आता है सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा होता है तो वो कौन सा है अबेकस द वर्ड अबेकस इज डराइव फ्राम द ग्रीक वर्ड ए बी एक्स ये जो वर्ड है ये जो ग्रीक वर्ड है ए बी एक्स इससे डिराइव हुआ यानी इससे उत्पन्न हुआ है इट मीन्स टेबल और बोर्ड कवर्ड विद डस्ट इसका मतलब होता है यानी इस वर्ड का ए बी एक्स का मतलब होता है कि टेबल या कोई बोर्ड है वो धूल से भरा हुआ है ठीक है दिस डिवाइस वॉज यूज टू काउंट एड एंड सब ट्रैक बाई मूविंग द बीड्स अप एंड डाउन ये जो डिवाइस है इसमें ऐड कर सकते हैं हम सब ट्रैक कर सकते हैं यानी प्लस कर सकते हैं जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं सब ट्रैक यानी माइनस कर सकते हैं ठीक है थीके? कैसे ये जो इसमें बीड्स लगे हुए हैं ना इसको मूव करके ठीक है एबैकस इज मेड अप वूडन फ्रेम इन विच रॉड वेयर फिटेड अक्रॉस विथ राउंड बीट स्लाइडिंग ऑन द रॉड रॉड एबैकस क्या होता है वूडन फ्रेम होता है लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें रॉड लगे होते हैं और उसमें बीट्स लगी होती हैं इट इज़ डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं पहले को क्या कहते हैं हीवन एंड अर्थ ठीक है इस देखो देखो फ्रेंड्स एबैकस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है एबैक्स ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ये आपको हर जगह काम आएगा नेक्स्ट देखते हैं नेपियर बॉन्स नेपियर बॉन्स ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है और इसको इन्वेंट किया है जॉन नेपियर ने और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे ये थे स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ठीक है जब बहुत ज़्यादा कैल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ने लगी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी तो इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया 1673 में इसे इसका नाम दिया नेपियर बॉन्स साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है नेपियर बॉन्स इट वाज मेड ऑफ आइवरी स्ट्रिप्स आईवेर स्ट्रिप से ये बना हुआ है ठीक है वाज यूज स्ट्रिप्स वाज यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड नंबर्स इसका जो स्ट्रिप्स इस है इसका यूज़ करते हैं नंबर को मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में आपने जो पहले कैलकुलेटिंग एवैकस देखा इसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया नैपियर बॉन्स ये जो डिवाइस है इसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आगे देखते हैं देखिए ये सारा जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई उसमें चेंज आता गया था अपडेट वर्जन धीरे धीरे अपडेट होता गया पहले ही इसमें कुछ कुछ फंक्शंस इसमें थे फिर उसके बाद कुछ फंक्शन इसमें अब आगे देखते हैं आ गया पास्कलाइन अब इसमें कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा ऐड होंगे ये थोड़ा और ऐड होके तो हो अपडेट होके आएगा ठीक है अब फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल इन सिक्सटीन फोर्टी टू इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड पासक्लाइन ब्लेज पासकल एक मैथेमेटिसियन थे इन्हों ये फ्रेंच के थे इन्होंने डिवाइस का एक निर्माण किया कैलकुलेटिंग डिवाइस का इसका नाम रखा गया पासक्लाइन सिक्सटीन फोर्टी टू में इसको इन्वेंट किया इन्होंने ठीक है इन्वेंट करना मतलब क्या होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना खोज करना किसी चीज़ की ठीक है इट कुड एड एंड सब ट्रैक नंबर ये नंबर को ऐड कर सकता था सब ट्रैक कर सकता था इन दिस डिवाइस द मल्टीप्लीकेशन वॉज डन बाई रिपीटेड एडिसन एंड डिविजन वॉज डन बाई रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इस डिवाइस में क्या चेंज था इसमें यह था कि इसमें हम नंबर जो डिवाइस था मल्टीप्लीकेशन वॉज डन इसमें जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता था मल्टीप्लाई किया जाता था नंबर को रिपीट मोड पे ऐड करके एग्जाम्पल में अगर सिक्सटीन है तो सिक्सटीन को हम फोर मल्टीप्लाई फोर नहीं कर सकते थे इसमें फोर प्लस फोर प्लस फोर फोर टाइम फोर करके हम उसको मल्टीप्लाई ऐसे डिविजन में माइनस करके ठीक है आगे देखते हैं लेबन कैलकुलेटर अब इसके बाद इसमें कुछ चेंज होगा इन द ईयर 1671 एक जर्मन मैथमेटिशियन थे गॉड फ्राइड लैबनिस इन्होंने इसका निर्माण किया अब इसको पास्कलाइन ये जो पास्कल कंप्यूटर कैलकुलेटर था उसको मॉडिफाई कर किया इन्होंने ठीक है और एक मशीन डेवलप किए गुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और ये जो था लेबिनिस कैलकुलेटर ये पासकल कैलकुलेटर था उसमें उसको मॉडिफाई करके बनाया गया और ये कई तरीके के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकता था ठीक है अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट इन्वेन्सन आया जैकवाड लूम ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है इट वॉज इन्वेंटेड इन एटीन हंड्रेड फाइव बाई जोसेफ जे जैकवाड जोसेफ जे जैकवाड के द्वारा इन्वेंट किया गया एटीन हंड्रेड फाइव में जैकवाड लूम ठीक है इट कंट्रोल द वे नीडल्स पास इन अ लूम यूजिंग कार्ड इट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पंच कार्ड ये किस पे ये लूम नीडल्स पास इन द लूम यूजिंग पंच कार्ड पंच कार्ड में नीडल्स को पास करके ये बनाया गया था ठीक है इसमें डेटा स्टोर होता था इन्फॉर्मेशन स्टोर होता था पंच कार्ड इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होता था उसके बेस पे यह वर्क करता था ठीक है आगे देखते हैं डिफरेंस इंजन ये आपका इंपॉर्टेंट है डिफरेंस इंजन इन एटीन ट्वेंटी टू चार्ल्स बैबेज अ ब्रिटिश मैथेमेटीशियन इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ़ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल डिफरेंस इंजन इन 1822 में चार्ल्स बेबेज़ एक ब्रिटिश मैथेमेटिशियन थे जिन्होंने इन्वेंट किया वर्किंग मॉडल ऑफ ए मैकेनिकल कंप्यूटर एक इन्वेंट किया उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर का जिसका नाम दिया गया डिफरेंस इंजन ठीक है द मशीन वॉज़ फाइव यूनिट इस मशीन में फाइव यूनिट्स थे कौन कौन से इनपुट आउटपुट स्टोर मिल कंट्रोल ठीक है दीज यूनिट्स वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर और जो ये फाइव जो यूनिट थे ये ऐसे वर्क करते थे जैसे आज के टाइम में जो मॉडर्न कंप्यूटर जैसे वर्क करता है वैसे ये वर्क करता था ऑल द कंप्यूटर्स विच आर यूज अ डेज आर बेस्ड ऑन इट जो भी कंप्यूटर जो भी लैपटॉप कंप्यूटर आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो इसी पे बेस्ड है मतलब यही बेसिक इस है इसी मेथड पे बेस्ड है फॉर दिस इन्वेंशन चार्ल्स बेबज इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ़ कंप्यूटर इस इन्वेंशन के बाद इस खोज के बाद डिफरेंस इंजन की खोज के बाद चार्ल्स बेबज को फादर ऑफ़ कंप्यूटर कहा गया आप सबको पता है फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर कौन है चार्ल्स बेबज ठीक है आगे देखते हैं आगे है आपका एनालिटिकल इंजन द एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबज इन एटीन थर्टी सेवन चार्ल्स बेबेज ने फिर एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन इट वॉज़ अ न्यू काइंड ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर ये क्या था एक नए तरीके का मैकेनिकल कैलकुलेटर था दैट कुल्व सॉल्व इवन मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकता था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी कर सकता था कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब कितना भी हार्ड हो कितनी भी जटिल कोई भी गणना हो उसको ये कर सकता था एनालिटिकल इंजन से कैलकुलेट किया जा सकता था ठीक है ऊपर हमने जो पढ़ा पास क्लाइंट कंप्यूटर हो गया बैकर्स हो गया इन सब में क्या था किसी में प्लस माइनस किसी में मल्टीप्लाई ऐसे करके हम कर सकते थे लेकिन ये था इसमें हम कितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे ठीक है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते थे उसके बाद आ गया आपका टैबुलेटिंग मशीन द टैबलेटिंग मशीन वॉज़ इन्वेंटेड बाई हरमन हॉलरिथ टैबलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट किया हरमन नाम के एक वैज्ञानिक थे इन्होंने इन्वेंट किया इट वॉज़ डेवलप्ड टू प्रोसेस डेटा फॉर एटीन नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट सेंसस इट वॉज डेवलप टू प्रोसेस ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए एटीन नाइनटी यूनाइटेड स्टेट सेंसस यानी जनगणना जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए इसका विकास किया गया सेंसस यानी क्या होती है जनगणना यूनाइटेड स्टेट की जनगणना को प्र के लिए यह बनाया गया डेटा को प्रोसेस करने के लिए ठीक है इट वॉज यूज टू असिस्टेंट काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन लेशर टाइम ये किसी भी जो इन्फॉर्मेशन इसमें फ़ीड की जाती है उसको बहुत ही अच्छे से काउंट कर सकता था और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता था ठीक है टैबलेटिंग मशीन अब उसके बाद देखते हैं ये आपका लास्ट है आप कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए आपने वन बाई स्टेप बाई स्टेप आपने सारा देख लिया अब ये आपका लास्ट है एनी एक द एनीक इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इन एक का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वाज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय जे स्कॉट एंड जे मोचली इन 1946 फर्स्ट इसके पहले आपने क्या पढ़ा मैकेनिकल कंप्यूटर अभी ये क्या है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका सबको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही याद रखना है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था उसका नाम है एनीएक ठीक है और मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी एबैक्स ये आपको ध्यान रखना है ये आपका जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है ठीक है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा द एनीक वॉज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज़ एनीए क्या था ये साइज़ में बहुत ही बड़ा था और सेवरल थाउजेंड डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें कई हज़ार कंपोनेंट्स अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे ठीक है इट आल्सो कन्ज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती थी मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता हो होती थी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होती थी ठीक है द द यूनिवेक अब इस पर आ जाते हैं यूनिवर्सल एटोमिक कंप्यूटर यूनिवेक का नाम क्या है यूनिवर्सल एट ऑटोमिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल एवेलेबल कंप्यूटर सबसे पहले कॉमर्शियल एवेलेबल कंप्यूटर का नाम क्या है यूनिवेक ठीक है इट वॉज डेवलप्ड बाय प्रस्पर एस्कॉट एंड जॉन मोचली 1951 एस्कॉट एंड मोचली के द्वारा 1951 में इसको इन्वेंट किया गया इसका निर्माण किया गया एक तरीके से कॉमर्शियल यूज़ यानी बिजनेस यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता था का और इनिए कंप्यूटर क्या है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ठीक है इस तरीके से आपने पढ़ लिया अब तक पूरी हिस्ट्री आपने जान ली आपको सब मेजर पॉइंट क्या याद रखना है आपका जो एबैकस है ये सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद आपने पढ़ा नैपियर बॉन्स पास्कलाइन लेबिनिज कैलकुलेटर जैकवर्ड लूम डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन भी आपको याद रखना है चार्ल्स बेबिस को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया इसके निर्माण के बाद और आज हम लेटेस्ट में जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं किस बेस पे यूज़ कर रहे हैं डिफरेंस इंजन इसी के बेस पे यूज़ कर रहे हैं राइट उसके बाद है एनालिटिकल इंजन फिर है टैबलेटिंग मशीन ये सब हमने पढ़ लिया और लास्ट में क्या था इनएक ठीक है ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और यूनिवेक सबसे पहला कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो निर्माण किया गया था उसका नाम क्या था यूनिवेक कंप्यूटर ठीक है आज के लिए बस इतना ही आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ठीक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई होप आप लोग को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है थीके? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी घर पे रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और बी हैप्पी ठीक है और डेली कम से कम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट आप लोग एक्सरसाइज़ योगा या फिर आप रनिंग भी इस समय रनिंग नहीं कर सकते हैं तो घर में जंपिंग ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी आपको कुछ ना कुछ करते रहना है जिससे आप स्वस्थ रहें ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी Be happy, stay healthy, bye bye, love you all.